इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रूस ने यूएन में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया है और इस दौरान रूस ने इसराइल पर गंभीर आरोप भी लगाया है और ये कह दिया है कि इसराइल कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। और इस बीच हमास और इसराइल में जारी जंग के बीच हमले का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। दावा यह किया गया कि इसराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई, क्योंकि बमबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई धमाके होते नजर आए। वहाँ हुए जोरदार विस्फोट के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। खबर है कि इसराइल की सेना ने अपनी सीमा के करीब गाजा में हमास के बंकरों को बर्बाद करने के लिए आसमान से बम बरसाए, क्योंकि दावा किया गया कि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके उन्हीं बंकरों में छुप जाते हैं। लेकिन इसराइल की सेना ने हमास के उन ठिकानों को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उधर इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच चीन में इसराइल के एक राजनयिक पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सफेद टी शर्ट में एक हमलावर इसराइल के उस राजनयिक पर चाकू से वार करता दिखाई दिया। हमलावर ने उसकी गर्दन के पास भी कई बार चाकू मारा, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। इस दौरान इसराइल के राजनयिक लोगों से जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए, लेकिन वहाँ सड़क से गुजर रहे लोगों में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वो हमलावर उन्हें जख्मी हालत में वहाँ छोड़कर बड़े ही आराम से भाग निकला। इसराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में उसके राजनयिक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में सरेआम हुई इस घटना पर इसराइल के विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई और इसराइल में चरमपंथी संगठन हमास के खूनी हमलों पर चुप्पी साधने वाले चीन को लताड़ लगाई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने इसराइल में बेकसूर लोगों की हत्या पर दुख तो जताया, लेकिन वो हमास का नाम लेने से भी बचता नजर आया। और इसराइल पर हमास के हमलों के बाद चीन की ओर से जो भी बयान सामने आए उनमें एक बार भी हमास का नाम नहीं लिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे इसराइल और फिलिस्तीन का आपसी मामला बताया और सलाह दी कि उन दोनों को बातचीत करके इसे निपटाना चाहिए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक चीन के इसी रुख पर इसराइल ने आपत्ति जताई और हमास के हमलों की निंदा ना करने पर निराशा जाहिर की। इसराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमास के लड़ाके सरेआम सड़कों पर बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे में ये समय बातचीत का नहीं है। इस बीच आरोप लगा कि चीन जानबूझकर इसराइल के बजाय हमास की तरफदारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल का जिगरी अमेरिका है और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। दावा किया गया कि इसी बीच हमास और इसराइल की लड़ाई से चीन को पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई उम्मीद मिल गई, क्योंकि पश्चिम एशिया पर अमेरिका की पकड़ काफी मजबूत है और अमेरिका ने पिछले कुछ समय में सऊदी अरब, बहरीन और यूएई जैसे देशों को इसराइल के करीब ला दिया, जिनकी इसराइल से लंबे समय से बनती तक नहीं थी। लेकिन खबर के मुताबिक चीन पश्चिम एशिया में अमेरिका को चित करना चाहता है। दावा किया इसीलिए उसने हमास का नाम लेने से भी परहेज किया, क्योंकि पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका के इसराइल के साथ आने के बावजूद हमास के हमलों का खुलकर समर्थन किया। दावा किया गया कि चीन उन देशों को अपने पाले में करके पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर करना चाहता है।